खटाखट 8500। इतना जानना था कि आप गुटखा सिगरेट भी पीते हो क्या, ड्रिंक भी करते हो क्या? बाकी सब तो ठीक है, हम लोग एक बार लड़के को लुंगी और गंजी में देखना चाह रहे हैं। नमस्ते। आई दीजिए दीजिए। आप लोगों को आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? मैं थोड़ी है जो परेशानी से घबरा जाएंगे। लड़की अभी तक नहीं आई है। पूजा जी का ऑफिस था ना, बस आती ही होगी। छोटी बहन साथ में है। अरे दीदी आ गई। नमस्ते। सॉरी तो इसे आने नहीं। बेटा अरे एक कुर्सी लेके आइए। लड़का देख लिया? नहीं यार अभी नहीं। ओए मस्त दिख रही हो। थैंक यू। अब लड़का को बुला दीजिए। ए जी जाइए, राज को बुला के लेके आइए। अरे कितना टाइम लगेगा, मेहमान बैठे हुए हैं। बस 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 अंकल, दो मिनट बस, दो मिनट और पापा। मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। राज बेटा घबरा मत, तुम तो मेरा बहादुर बेटा हो। लेकिन पापा सुनिए ना, ये दोनों मेरे साथ ही चलेगा। अरे अच्छा एक काम करो, रजनीश हाँ तुम राज के साथ आओगे। ठीक है। अनमोल बेटा तुम नहीं आना। वो क्यों पापा? देखो बेटा पहले बड़े भाई की शादी होती है, ठीक है, उसके बाद तुम्हारी होगी। और एक बात, भले ही तुम काम चोर हो लेकिन दिखने में स्मार्ट हो, कहीं तुमको पसंद कर लिया तो। जी ठीक है पापा। तुम मेरे पास आओ। क्या नाम हुआ आपका? राज सोनी। मम्मी का नाम? नैना देवी। क्या क्या आता है आपको? सिलाई कढ़ाई करना जानता हूँ, ब्यूटी पार्लर का भी कोर्स किया है और खाना भी बना लेता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें हल्दी नहीं पड़ती है? साग। हमारे घर में सभी कोई नॉनवेज खाते हैं, यहाँ तक कि दीदी भी खाती है, बट हम लोग ने सुना है कि आप नहीं खाते, तो अब क्या कीजिएगा? हम नहीं खाते हैं तो क्या हो गया, सबके लिए बना तो सकते हैं ना। अरे कोई नहीं कोई नहीं, चलिए आपको दिखाते हैं, बाहर है बहुत सारे घोड़े हैं। हाँ हाँ। बाकी सब तो ठीक है, हम लोग एक बार लड़के को लुंगी और गंजी में देखना चाह रहे हैं। जाओ बेटा राज, कपड़ा बदल लो, लुंगी और गंजी पहन लेना। ए जी हाँ। राज को लेते जाइए, कपड़ा बदलवा लीजिएगा लुंगी गंजी। अरे वाह आओ राज। अरे पापा बाबू को कहाँ रख दिया? अरे बाबू इतना अच्छा है कि अनमोल के साथ काफी घुल मिल गया है। चलो राज आओ। एक मिनट में आया। हमारा लड़का तो बहुत ही संस्कारी है। जानते हैं भाभी जी, भैया तो किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करती, वो इतने सीधे हैं, ऐसा समझिए तो बैल है बैल। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपकी शादी मेरी दीदी से हो जाती है तो घर पे अगर कभी कोई मेहमान आए तो उनका स्वागत आप कैसे करोगे? मैं मेहमान को बोलूँगा लाइए आपका मोबाइल चार्ज में लगा देता हूँ। हम लोगों का तो ठीक है, लड़का लड़की भी एक दूसरे को अकेले में देख लेते समझ लेते तो अच्छा रहता। क्यों पूजा?
रजनी भाभी को और राज को लेते जाओ छत पे, दोनों आपस में बात कर लेंगे। ठीक ठीक। अरे चलो ना तुम भी साथ। अरे डरो मत, जान तुम जान कुछ नहीं पता। अरे डरो मत, बढ़िया से जा। ठीक है बढ़िया से। देखो तुम मुझे पसंद हो, तुम्हें कुछ मेरे बारे में पूछना है तो पूछ सकते हो। मुझे बस इतना जानना था कि आप गुटखा सिगरेट भी पीते हो क्या, ड्रिंक भी करते हो क्या? देखो जनरली तो ऐसे कोई आदत नहीं है मेरी, बट ओकेजनली मैं पी लेती हूँ। आपको अगर मेरे बारे में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। देखो मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे से ज़्यादा मेरे मम्मी पापा का ख्याल रखो, उन्हें समय समय पर नाश्ता खाना दे दो, और रात में उनकी खूब सेवा करो, उनका पैर दबा दो, और अगर वो कभी ऊंची आवाज़ में बात भी कर लेना तो तुम बर्दाश्त कर लेना थोड़ा सा। शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं जाऊँ? सुनो नंबर दे सकते हो अपना? 64-65 क्या 6465-64 खटाखट 8500। पसंद है? ओके। मुबारक हो, दोनों ने दूसरे को पसंद कर लिया है। अब हम लोग आगे कुछ लेन देन की बात कर लें। भाई लड़की तुमको पसंद कर लिया है, कंग्रेचुलेशन दोस्त। रुको रुको मैं पता कर क्या थे। बताइए आप लोगों का क्या डिमांड है? हम लोगों का डिमांड है 30 लाख और एक फोर व्हीलर। ओह नो, आगे बात करना हो। हम लोग तो उतना दे नहीं पाएंगे, 15 लाख रुपया और गाड़ी तो खैर नहीं दे पाएंगे दोस्त। फूलों का डिमांड इतना है ना, क्या बोल रहे हैं, 30 लाख रुपया और एक फोर व्हीलर गाड़ी मांग रहा है। हम वही जाते हैं, अगर कुछ पता चलेगा फिर आते हैं। नहीं नहीं उतना तो नहीं हो पाएगा, लड़की हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसके लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं। देखिए भाई साहब उतनी हमारी हैसियत नहीं है, नहीं दे पाएंगे उतना। चलिए ना मेरा ना आपका 21 लाख में डन करते हैं। आप कुछ मत बोलिए, बारातियों के स्वागत में पर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है जब 21 लाख ने बोल दिया है तो ठीक है, लेकिन 21 लाख तो देंगे लेकिन फिर गाड़ी हम नहीं दे पाएंगे। मुबारक हो, रिश्ता फाइनल हो गया। आपको भी मुबारक हो। वाह तो शादी फाइनल हो गया। 21 लाख में और फोर व्हीलर भी नहीं देना पड़ेगा। Thank you.